देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़क पर उतर कर किया नुक्कड़ सभा। महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़क पर उतर कर केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में आज सड़क पर उतर कर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पेट्रोल डीजल और बढ़ते रसोई गैस के दाम को लेकर युवा कांग्रेस केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि देश के अंदर जब जब चुनाव खत्म होता है, मोदी सरकार द्वारा महंगाई की मार आम लोगों पर जबरन थोपी जाती है। इसी को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल और रसोई गैस में बढ़ोतरी के विरोध में सड़क पर उतर कर लोगों को जगा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपके पॉकेट से किस तरह पैसे निकाले जा रहे हैं और कैसे महंगाई बढ़ा हुआ है। युवा बेरोजगार है और मोदी सरकार सत्ता के नशे में जश्न मनाने में लगी हुई है। जिस प्रकार चाहे वो 2014 के चुनाव से पूर्व की बात हो या अभी रिसेंट में 2022 के यूपी सहित पांच राज्यों के चुनाव से पूर्व जिस प्रकार देश में हमारे गृह मंत्री भाषण में अपने कह रहे थे कि जैसे हमारी सरकार बनेगी होली दिवाली पर मुफ्त गरीबों को सिलेंडर दिया जाएगा। नतीजा सिलेंडर तो होली में मिला नहीं, लेकिन 50 रुपये एक साथ बढ़ाया गया और जिस प्रकार लगातार 80-85 पैसे के हिसाब से जो प्रतिदिन पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के आज युवा कांग्रेस के द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया जो तेतुलतल्ला से चल करके जेपी चौक बैंक मोड़ में उत्तराधान का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद नुक्कड़ सभा भी यहाँ पर हुआ। इस नुक्कड़ सभा विरोध मार्च के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि देश में आपने जिस प्रकार लोगों से वादा करके सत्ता में आने का काम किया, लोग आपको आंखों पे सर आंखों पे बिठाए, लेकिन क्या है नतीजा? ये है कि आज प्रतिदिन 80-85 पैसे के हिसाब से पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर पे 50 रुपया और इसको लेकर के तमाम छोटे बड़े जितने सामान आम उपयोग की सामान है, घरेलू उपयोग की सामान है, सबका दाम का असर पड़ रहा है। खाद्य तेल हो या किसी भी प्रकार की, आज रिसेंट में भी केंद्र सरकार में 10% जो जिंदगी रक्षक दवाइयां हैं उसमें 10% बढ़ाने का वहां पे फैसला हो चुका है, जिसमें भी लगभग 800 बीमारी की दवाइयां हैं जिसमें 10% बढ़ाने का केंद्र ने काम किया है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने उस कारपोरेट घराने के साथियों का कर्ज उतारने का काम कर रही है जो 2014 से पूर्व इनको फंडिंग कर करके सरकार में लाने का काम किया था। ये देश के हित के लिए नहीं, देश के जनता के लिए नहीं, देश के बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने कारपोरेट घराने के दो साथियों हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन शुरू किया है। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलने का काम किया है। ये आज देश को आजाद करने वाली पार्टी है। हम लोग ना हारे जरूर हैं, थके नहीं हैं, हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे हैं अभी भी इनको में इस सरकार के नीतियों को लोग तक पहुँचा। अब हम चाहेंगे कि धनबाद जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा जी संक्षिप्त में। देश के अंदर में जब जब चुनाव खत्म होता है तो महंगाई के मार इस देश की जनता के ऊपर मोदी सरकार द्वारा थोपा जाता है। इसी को लेके पूरे झारखंड में युवा कांग्रेस के द्वारा महंगाई पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर सड़क पे उतरा है। इसी क्रम में धनबाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में भी ये कारवां चला है और हम लोग लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपके पॉकेट से कैसे पैसा निकाला जा रहा है, कैसे आपके ऊपर महंगाई थोपा जा रहा है, कैसे बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, लोग त्राही कर रहे हैं और ये सिर्फ सत्ता के नशे में जश्न मनाने में डूबे हुए हैं। इनको सबक सिखाना होगा, इसलिए सब लोगों को जगना होगा, जगाना होगा और इसी का कारवा है कि आज जो है नुक्कड़ सभा कर रही है युवा कांग्रेस, प्रोटेस्ट कर रही है 1-1 किलोमीटर, 2-2, 5-5 किलोमीटर का, तो लगातार युवा कांग्रेस ने अपना जो नैतिकता है, जिम्मेवारी है सरकार को जगाने का, एक विपक्ष होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है हम सरकार को आईना दिखाते हैं और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। सत्ता के राज में जो आपको जीत बार बार मिल रहा है, इस घमंड में आप न रहें कि 24 में आप रहिएगा, इस जनता जो है यहाँ का आपको औकात बताएगी, आपको आईना दिखाएगा, क्योंकि अभी भी वक्त है। महंगाई पे जो मार है, जो पेट्रोल डीजल का मार है, जो गैस सिलेंडर पे मार है, लोगों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इस पर अगर आप गंभीरतापूर्वक काम नहीं करिएगा तो 2014 में आपको जनता उखाड़ फेंकेगी, यही युवा कांग्रेस बताने का प्रयास करती है। आज धनबाद जिला युवा कांग्रेस के द्वारा महंगाई के खिलाफ, बेतहाशा महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला है तेतुलतल्ला पुराना बाजार पानी टंकी से बैंक मोड़ तक, और लोगों के आवाज़ को युवा कांग्रेस आज उठा रही है कि मोदी जी कैसे भाजपा की दमन नीतिकारी सरकार छल रही है लोगों को, चुनाव तक
दाम कम किया गया चुनाव के बाद। एक बार गैस का दाम 1,007 रुपये आज का धनबाद का गैस का दाम है, डीजल का दाम 100 रुपया पर, पेट्रोल का दाम 100 रुपया पर। तो हम पूछना चाहते हैं किसान भी खेती कैसे करेगा और घर में रसोई कैसे पकेगा। जो गृहिणिया आगे बढ़ के मोदी को वोट दी थी, आज उनके ऊपर 1,007 रुपये का मार पड़ रहा है। तो मोदी और महंगाई दोनों बर्दाश्त नहीं होगी। धनबाद जिला युवा कांग्रेस ऐसे ही चरणबद्ध आंदोलन करते रहेगी और जनता को जगाने का काम करेगी।